स्वागत है आपको धर्मेंद्र यादव यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप क्रेडिट कार्ड का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों मैं बता दूं जो आज का जो मैं ट्रिक ये अपलोड कर रहा हूं, आप देखेंगे 12:00 में कुछ मिनट में 25 मिनट में कर रहा हूं ये जो काम, या फाइनली ये ट्रिक काम कर रहा है। जो कि ये पुराना ही ट्रिक था, भीम यूपीआई के जो वर्चुअल डेबिट कार्ड था वो एयरटेल पेमेंट बैंक ब्लॉक कर दिया था, लेकिन मैं आज 5 या 6 ट्रांजेक्शन किया हूँ टोटल। उसके बाद मैं 5 या 6 का जो जितना मैं ट्रांजेक्शन था सबका सब सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद मैं सोचा ये वीडियो बनाऊं, तो आप लोग देख पाएंगे कि मैं इस ट्रांजेक्शन में आपको सब बताऊंगा कि भीम यूपीआई का जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है वो एयरटेल पेमेंट बैंक सपोर्ट करता है। बट मैं बता दूं कि इसका ट्रांजेक्शन आप करने की लिमिट जो है आप कम से कम उसका जो आधा घंटा या 1 घंटा का एक ट्रांजेक्शन करते हैं तो 1 घंटा तक आप उस एयरटेल वॉलेट में या एयरटेल पेमेंट बैंक में आप लोग एड मत कीजिए पैसा। जब एक बार ट्रांजेक्शन आप सबका कंप्लीट हो जाता है तो 1 घंटा तक आप सबको याद रखना है। आपको ज्यादा टाइम लेना है तो आप ले लीजिए, बट जल्दी मत कीजिए कोई काम, क्योंकि जैसे आप जल्दी में कोई काम करते तो आपका फिर से वर्चुअल डेबिट कार्ड काम नहीं करता है। क्योंकि मैं 2 ट्रांजेक्शन किया पहले, जो मैं एक पहले किया और 10 मिनट के बाद जैसे ट्रैक किया तो फिर से हमको वही सेम सिस्टम हुआ कि बस ओटीपी तो आया, जैसे मैं फिल किया ओटीपी उसके बाद मेरा ट्रांजेक्शन कैंसिल हो गया। बट वही ट्रांजेक्शन मैं 2 घंटा 3 घंटा के बाद करता रहा तो वो ट्रांजेक्शन मेरा सक्सेसफुल होता रहा। तो आप सभी उसी तरह से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। चलिए मैं आप सब लाइव दिखाता हूँ। दोस्तों अगर आप सब हमारे चैनल पर नए आए हैं तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सर जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिए ताकि मिलता रहे आपको नया नया वीडियो का अपडेट सबसे पहले। तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। और मैं चलता अपने मोबाइल की स्क्रीन की ओर और दिखाता हूँ सब आप सबको लाइव में, तो बने रहिए आप हमारे वीडियो के साथ। तो दोस्तों आप देखेंगे मैं आ चुका हूँ भीम यूपीआई की जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है उसमें। आप दोस्तों इसमें देख पाएंगे कि मेरे अकाउंट में जो है अभी 5000 है। बट मैं ये 5000 मैं बता दूं कि ये 5000 मैं लेके चलूंगा एयरटेल पेमेंट बैंक में। दोस्तों आप देखेंगे मैं सब अभी लोड किया हूं और इससे पहले मैं 2000 का ट्रांजेक्शन किया था, तो अब ये मेरा कट के हो गया 3000 रुपया। भाई अभी मैं आपको सब दिखाता हूं किस तरह से मैं वर्चुअल डेबिट कार्ड काम करता है, क्योंकि इससे पहले जो वर्चुअल डेबिट कार्ड था वो काम नहीं करता है। लेकिन अभी चलो मैं भीम कार्ड करता हूं, आप देखेंगे मेरा भीम यूपीआई का ये वर्चुअल डेबिट कार्ड है। यही वर्चुअल डेबिट कार्ड की मदद से हमको चलना है एयरटेल पेमेंट बैंक में, जो कि ये वर्चुअल डेबिट कार्ड एयरटेल पेमेंट बैंक एक्सेप्ट करता है। तो चलो एयरटेल पेमेंट बैंक को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख पाएंगे कि मेरे एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन हो चुका है। तो दोस्तों अभी आप देखेंगे मेरे एयरटेल पेमेंट बैंक में जो 3028 रुपया है अवेलेबल, क्योंकि मैं अभी कुछ देर पहले ही ये ट्रांजेक्शन किया था, उसके बाद मेरा सबका सब ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों अभी हमको एड मनी पे क्लिक करना पड़ेगा, जो कि सेम प्रोसेस जैसे हम लोग करते थे पहले वैसे सेम करना पड़ेगा। चलो इधर एड मनी के बाद हमको इधर 2000 रुपया मैं डाल देता हूँ, क्योंकि अभी हमारे भीम यूपीआई में 3000 रुपया है अभी भी। चलो उसके बाद दोस्तों हमको वही लोड मनी पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मैं लोड मनी पे भी क्लिक कर चुका हूँ। तो दोस्तों आप नीचे में जो मेरा भीम यूपीआई का वर्चुअल डेबिट कार्ड इधर देख पाएंगे आप लोग कि एड मेरा ऑलरेडी है, तो सिर्फ इसमें हमको CVV कोड डालना पड़ेगा। चलो सिर्फ हम इसको इधर CVV कोड डाल देते हैं। तो दोस्तों आप देख पाएंगे कि मेरा जो वर्चुअल डेबिट कार्ड का था वो CVV कोड मैं डाल चुका हूँ। दोस्तों फिर से हमको वही प्रोसेस पे क्लिक करना पड़ेगा, जो कि मेरा प्रोसेस एयरटेल पेमेंट बैंक में चल रहा है। तो आप लोग देख पाएंगे मेरा प्रोसेस भी चल रहा है और हमको एक OTP का जरूरत है। दोस्तों मैं बता दूँ कि रुपया वर्चुअल डेबिट कार्ड में अभी OTP थोड़ा लेट से आता है, तो आप लोग को परेशानी नहीं डालना है। तो दोस्तों अभी देख पाएंगे कि मेरा वर्चुअल डेबिट कार्ड का OTP आ चुका है, तो हम OTP इधर फिल कर देते हैं। तो दोस्तों हम फाइनली जो है OTP का जो है फिल कर चुका हूँ। दोस्तों सबसे पहले उसके बाद हमको सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। चलो सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों अभी मेरा जो ट्रांजेक्शन है अभी जो देखेंगे चल रहा है, प्रोसेस में जा चुका है, तो हम प्रोसेस होने देते हैं। दोस्तों अभी आप देखेंगे जो मेरा ये ट्रांजेक्शन है कम्प्लीट फाइनली हो चुका है। 2000 मेरा ट्रांजेक्शन था वो हो चुका है सक्सेसफुल। 31 मार्च को आप देख पाएंगे रात को 12:25 में ये ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, तो फाइनली जो मेरा ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। तो दोस्तों आप सब भी इस तरह से क्रेडिट कार्ड का पैसा अपने बैंक अकाउंट में फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। इसमें कोई भी परेशानी आप लोगों को नहीं झेलना है, क्योंकि बहुत आसानी से ये ट्रांजेक्शन मेरा सक्सेसफुल हो चुका है। और आप देख पाएंगे कि 12:25 में मैं ये ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ। तो दोस्तों एक प्यारा सा लाइक भी कर दीजिए ताकि हमको और मनोबल बढ़ सके, और आप सबके लिए मैं ऐसा ट्रिक ढूंढ ढूंढ के आप सबको बताता रहूँ। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को अभी लाइक भी कर दीजिए ताकि और हम सबको मनोबल बढ़ सके। तो दोस्तों अभी देखेंगे मेरा फाइनली जो है 5028 रुपया हो गया, जो कि भीम यूपीआई में जो था मेरा 3000 रुपया था। चलो मैं इधर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों अभी 3000 रुपया में से देखते हैं, अभी देखेंगे 1061 हो चुका है, यानी 2000 रुपया मेरा विड्रॉ हो चुका है और एयरटेल पेमेंट बैंक में मेरा आप देखेंगे 5000 हो चुका है, 5028। यानी 1 लाख बीत कर दीजिए ताकि और हम आप सबके लिए ऐसे ऐसे लेटेस्ट ट्रिक लाता रहूँ।
दोस्तों आपने देख लिया कि इस तरह से भीम यसपी का वर्चुअल डेबिट कार्ड काम कर रहा है और एयरटेल पेमेंट बैंक एक्सेप्ट कर रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो के रिलेटेड आप सबको कोई भी सवाल जवाब हो तो आप सब हमारे कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं, बेहिचक हम आपको जरूर सपोर्ट करेंगे दोस्तों। लेकिन एक बात को आप सबको याद रखना है कि जो भी ट्रांजेक्शन आप करेंगे वो 2 घंटा 3 घंटा तक आप वेट करेंगे। एक ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होने के बाद आप सब 2 घंटा तो वेट कीजिए या 3 घंटा वेट कीजिए, उसके बाद ही ट्रांजेक्शन कीजिए। क्योंकि बार बार करेंगे जैसे इससे पहले होता था जो बस एक एक सेकंड पे हम लोग करते थे ट्रांजेक्शन और सक्सेसफुल होता था, अभी वैसा नहीं हो रहा है। बट प्लीज आप सब ऐसे कीजिए को वेट करके वो ट्रांजेक्शन आप लोग कीजिए तो आप सबका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होगा। तो इस तरह से आप लोग क्रेडिट कार्ड के पैसा अभी फ्री में ले सकते हो बैंक अकाउंट में। दोस्तों अगर वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे लेटेस्ट से लेटेस्ट ट्रिक अपलोड होता रहता है आप सबके लिए, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, हमको दीजिए जाने की इजाजत, धन्यवाद।